ओबीसी आरक्षण मामले में बीजेपी को कांग्रेस ने 10 करोड़ के मानहानि का नोटिस भेजा है। पंचायत चुनाव में ओबीसी के आरक्षण मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने कहा कि आरक्षण प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ है। कांग्रेस की सरकार ने ओबीसी को 27% आरक्षण दिया था। ओबीसी आरक्षण को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और मंत्री भूपेंद्र सिंह कांग्रेस को बदनाम कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने कहा कि कांग्रेस ने ओबीसी वर्ग के 27% आरक्षण को लेकर कोई याचिका नहीं लगाई थी। कांग्रेस ने की तरफ से कुछ लोगों ने पंचायत चुनाव के परिसीमन और रोटेशन को लेकर कोर्ट में याचिका लगाई थी। बीजेपी झूठ बोलने में माहिर हो चुकी है। बीजेपी के वकील कोर्ट में 4 बार पेश नहीं हुए। दिग्विजय सिंह की सरकार ने पंचायत चुनाव में ओबीसी को 27% आरक्षण देने का काम किया था। कांग्रेस शीतकालीन सत्र में सदन के अंदर ओबीसी आरक्षण के मुद्दे को जोर शोर से उठाएगी। बीजेपी ने जानबूझकर पंचायत चुनाव को 1.5 साल से रोक रखा था। बीजेपी केवल आरक्षण प्रक्रिया से भाग रही है। विधायक दल की बैठक में हमने प्रस्ताव पास किया, पर उसके पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो पंचायत चुनाव हो रहे हैं, ऐसा चुनाव जहां परिसमन रोटेशन ना हो और सबसे मुख्य बात ओबीसी का आरक्षण ना हो। जब भी किसी ने ओबीसी के बारे में सोचा, कांग्रेस ने सोचा। दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी, हमने कानून बनाया। हमारी सरकार थी, जुलाई 2019 को हमने 27% आरक्षण दिया और बीजेपी ने इसका श्रेय लेने का प्रयास किया। जनता से अपील करता हूं कि वो याद रखें कि जब भी पिछड़े वर्ग की बात हुई, आदिवासी की बात हुई, हमारे दलित भाइयों की बात हुई, कांग्रेस ने उठाई है। आजादी के बाद से डॉक्टर अंबेडकर जी ने जो कांग्रेस ने संविधान इस देश को दिया, उसमें हमारी अनुसूचित जनजाति के लिए प्रावधान रखा। ओबीसी कांग्रेस कर रही है, दिग्विजय सिंह जी की सरकार ने पहली दफा करी, अब हमारी सरकार ने जुलाई 2019 को करी, उसका कुछ नहीं कहने को तैयार। तो हमारा दुख इस बात का है और हमारा विरोध इस बात का है कि बिना ओबीसी आरक्षण के 27% हमने किया था। ये जाएं, इसमें संशोधन कराएं, अगर इनकी इनका मन साफ है। दिल और दिमाग में कुछ और बात है, प्रचार में कुछ और बात है। तो आज हमारे विधायक दल ने इस पर चर्चा करी है और हमने एक प्रस्ताव पास किया है। ये प्रस्ताव कमलेश्वर जी पढ़ देंगे। विधायक दल की बैठक में हमने प्रस्ताव पास किया, पर उसके पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो पंचायत चुनाव हो रहे हैं।